बरेली की जिला जेल में जन्माष्टमी का त्यौहार कोविड गाइडलाइन के बीच बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बंदियों ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए कृष्ण लीला का मंचन किया है। जेल में बंदियों ने उन सभी किरदारों को अपने अभिनय में उतारा जो कृष्ण लीला के पात्र होते हैं। यहाँ कोई बंदी भगवान कृष्ण बना तो कोई सुदामा, कोई देवकी तो कोई कंस। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि बंदियों ने मंचन के दौरान किसी भी किरदार को ढीला नहीं छोड़ा, बल्कि देखने वालों को यह एहसास कराया कि वह खुद कृष्ण लीला के किरदार हैं। जेल में बंद सभी बंदियों ने कृष्ण लीला का खूब आनंद लिया। जेल प्रबंधन ने कृष्ण जन्मोत्सव को देखते हुए व्यापक तैयारी की थी। जेल को काफी अच्छे से सजाया गया था और बंदियों को ऐसा मंच देने की कोशिश की गई थी जहां बंदी अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ सके। कृष्ण लीला के मंच को ऐसा सजाया गया जो कृष्ण लीला के किरदारों को मिक्स करने में काफी मदद कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक बंदियों ने सबसे ज्यादा सुदामा कृष्ण के संवाद को पसंद किया। जेल अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कारागार रही है। इस अवसर पर जिला कारागार कैदियों द्वारा जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोविड के मद्देनजर बचाव करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बैरकूप में किया जा रहा है। सभी बंदी शाम को अपने अपने क्षेत्र में झांकी सजाएंगे। उन्होंने इस मौके पर बंदियों के साथ समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामना दी है। कारागार रही है तो इस अवसर पर जिला कारागार बरेली के बंदियों द्वारा उत्साहपूर्वक जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए कोविड से बचाव के दृष्टिगत। उन कार्यक्रमों का वीडियो प्रसारण सीधा जो है बैरकों में किया जा रहा है। कुछ बंदियों को बुला करके दिखाया गया है। शाम को सभी बंदियों द्वारा जो है अपने अपने सर्किलों में झांकियाँ सजाई जाएंगी और सभी बंदियों को और हमारे देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।